हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और एक नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, मतलब भारतीय मंत्रालय की तरफ से। और ये कि भाई अब आपका पासपोर्ट ई पासपोर्ट बनेगा, एक चिप रहेगा आपके पासपोर्ट में लगा रहेगा। सोचो भाई, अब सारी चीजें जो है ना धीरे धीरे डिजिटल हो रही है, सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग भाई काफी ग्रोथ में सब कुछ चल रहा है। और टेस्टिंग वगैरह सब कुछ चालू हो गई है, बहुत सारे लोगों को मिल गया है। और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, ई पासपोर्ट से बेनिफिट क्या होगा और ये हमारे यूज में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसे ही हम इंडिया से बाहर कभी भी जाते हैं तो जो आपको ई पासपोर्ट अब आएगा, जैसा कि मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, तो ई पासपोर्ट में अब एक चिप लगा होगा। तो जब हम इंडिया से बाहर जाएंगे और हमें इमिग्रेशन करवाना होगा, तो इमिग्रेशन के दौरान हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना होगा, पन्ना नहीं पलटना होगा, चलो पासपोर्ट का ये पेज दो, दिखाओ, ये करो, भाई सारी टेंशन खत्म। अब एक पासपोर्ट में आपके चिप लगी होगी और उस चिप में, उस चिप को आप जैसे इमिग्रेशन के लिए जाओगे तो वहां पर वो लोग लगाएंगे एंड सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट कंप्यूटर में आ जाएगी और फिर आपका तुरंत इमिग्रेशन हो जाएगा। भाई इस तरीके से आप एक तरीके से समझ सकते हो कि अब एयरपोर्ट पर बहुत ही कम भीड़ भाड़ रहेगा। मतलब देखो, एक तरीके से भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगा। अगर इमिग्रेशन जो है आपका चिप के थ्रू होना शुरू हो जाए तो भीड़ की लाइन जो है ना काफी जल्दी जल्दी खत्म होगी, तो भीड़ लगेगा ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये चीज, ये बेनिफिट है। और ई चिप जो लगी है, समझ लो कि भाई इसमें आपका बायोमेट्रिक एंड आईज एंड आपका जो भी डिटेल है वहां पर स्टोर होगा। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन भाई उस चिप के अंदर स्टोर होगी। तो ये काफी यूजफुल मुझे लग रहा है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन, अब तो पहले आधार कार्ड था, हमारे फिंगरप्रिंट एंड आंख का एवरीथिंग सब कुछ आधार कार्ड में था, अब पासपोर्ट पर भी हम आ जाएंगे, पासपोर्ट में भी हमारा सारा का सारा डेटा आ जाएगा। तो अगर देखो, इन फ्यूचर मुझे लगता है ना, अगर चिप वाला होगा तो हमारा पासपोर्ट डैमेज भी हो जाता है, कुछ फट भी जाता है, तो कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि हमारी सारी आइडेंटिटी जो है उस चिप के अंदर रहेगी। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है भाई ये चीज। और ये चीज जैसे ही अब लागू हो जाता है सबके लिए, फॉर एवरी वन, मतलब फॉर एवरी इंडियन सिटीजन के लिए, तब ये काफी अच्छी बात होगी। भाई मैं खुद अपना पासपोर्ट को चेंज करवाऊंगा, जैसे कि आपको पता है मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं अपने पुराने पासपोर्ट को जो है चिप में मतलब कि अपडेट करूंगा ताकि मेरे पास नया पासपोर्ट आए चिप वाला। देखते हैं कितने टाइम में आ जाता है, अपडेट आपको मैं दे दूंगा। और इससे भी और भी बहुत सारे बेनिफिट है भाई। और उसके अंदर जो है भाई जो चिप लगा होगा ना, वो सिलिकॉन का चिप होगा और उस चिप में जो है 64 KB का स्टोरेज होगा। भाई इतना मत सोचो कि 1 GB 2 GB, भाई ये छोटी सी चिप है भाई, उसमें आपका फोटोग्राफ और आपका डेटा ही वहां पर स्टोर होगा, बहुत ही ज्यादा चीजें नहीं, तो 64 KB भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो मैं तो सोच रहा हूँ भाई इंडिया में कब आए, मतलब इंडिया में तो देखो सबको नहीं अभी मिलना शुरू हुआ है, बट मिलना शुरू हो गया जो ऑफिशियल, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से अधिकारी है, अब कौन सी पदवी के लिए, काफी उच्च पदवी वालों के लिए, बट फॉर एवरी सिटीजन कब से स्टार्ट होगा, जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बताता हूँ। और ये चीज बहुत ही पहले बात करी गई थी कि हाँ भाई इसको हम लोग लाएंगे मार्केट में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसा बोला था बहुत टाइम पहले, बट बहुत टाइम के बाद ये सारी न्यूज आ रही है कि भाई अब इसका शायद आने वाला है। तो अब आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है हम सबके लिए। अगर आपको लगता है कि भाई क्या इससे हमें बेनिफिट होगा बहुत ही ज्यादा, जो ई पासपोर्ट आ रहा है इससे, या फिर नुकसान होगा, तो आप कमेंट करके बताओ आपकी भी राय, पता कर लेते हैं भाई कि आपकी राय में क्या ये सही है। मतलब ये तो मेरी राय, अगर मैं अपनी अगर राय दूं, अपनी ओपिनियन अगर अपनी दूं, तो ये चीज काफी अच्छी है भाई। सब कुछ देखो, पहले दिक्कत हमें होता था भाई हमारा पासपोर्ट कहीं भी जल गया, ये हो गया, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता था जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे। बट अब अगर चिप लगी होगी तो चिप के थ्रू ही आपका फोटो एंड आपका जो भी डिटेल है वहां पर वो लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई सब कुछ सही है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर रहेगी। तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है धीरे धीरे, तो काफी अच्छी अच्छी बात है और सबके लिए अच्छी बात है। और उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि भाई मेरे कहने का तात्पर्य क्या था और मैं आपको क्या बता रहा था। तो ई पासपोर्ट यही चीज है, भीड़ भाड़ को भाई एयरपोर्ट पर कम कर देगा, इमिग्रेशन बहुत ही जल्दी आपको आपका होगा, सारा डेटा आपका जो है उस चिप के अंदर स्टोर हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली हैं, तो जैसे आती है आपको अपडेट
दे दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाओ कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।